मैं लूंगा मॉन्स्टर अपने प्रोटीन पीने से पहले। तो एनर्जी ड्रिंक भी, इसका तड़का क्या है? इसका तड़का है बियर। सो गाइस, आज आपको दिखाने वाले हम एक किलर शोल्डर वर्कआउट। निकले शोल्डर, राइट? अब इसका क्या वर्कआउट होता है? और कई हैं, किसी ने मुझे बोला गाली मत दो सर, फिर मैं बोलूँगा कुछ हैं जो मेरी रेंज ऑफ रिएक्शन मोशन के बारे में बहुत एक्सपर्ट, रेंज ऑफ मोशन के बारे में भी और एक्सरसाइज कैसे करते हैं, ग्रिप ऐसी है। और कईयों ने तो ये तक बोला इसकी बॉडी इसलिए बन गई बिकॉज उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं, बॉडी तो एक्सरसाइज तो करनी आती नहीं। तो बेटा, आज आपके डैडी आपको देने वाले हैं क्लास कि कैसे होती है एक्सरसाइज और क्या होती है रेंज ऑफ मोशन। अगर आपको मुझसे साथ कम्पीट करना है तो जिम में मिलेंगे, फॉर्मल इन्वाइट करूँगा आपको, एंड देन यू सी इफ यू कैन डू इट और नॉट। तो उससे पहले करते हैं आज का शोल्डर वर्कआउट। तो क्या होगा, अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डंबल प्रेस से। तो डंबल प्रेस से हम स्टार्ट करेंगे और हम अपना रेंज ऑफ मोशन बहुत क्लीन रखेंगे और हमारा फोकस ये रहेगा कि हम रेप्स को नीचे जब लाएँ तो उस समय पे हमारा फोकस सबसे ज़्यादा हो उस रेप में, वर्किंग मसल पे नीचे लाने में, इसेंट्रिक पे ज़्यादा फोकस। लेट्स डू दिस, लेट्स गो। फर्स्ट सेट, देखो सारा रेंज ऑफ मोशन शोल्डर प्रेस, रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेना, कोई गलती हो तो कमेंट से पॉइंट कर देना, उसको और अच्छे तरीके से सुधार देंगे, ठीक है ना? करें शुरू, रेडी? यू रेडी? लेट्स गो, लेट्स गो। पूरा ऊपर लॉकआउट, स्लो नीचे लेके जाएंगे, लॉकआउट लॉकआउट सिक्स, लॉकआउट लॉकआउट लॉकआउट, टू मोर एंड लास्ट। वो ठीक है, रेंज ऑफ मोशन सही है ना? बता देना यार, आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है मुझे, आप नहीं होगे तो मेरी बॉडी कैसे बनेगी? बिल्कुल, आपके फीडबैक से ही तो बॉडी बनी है। हाँ, सारी। और आपके फीडबैक से मुझे मार दिया गया है एक महीने के लिए, तो अच्छी फीडबैक देना। सो रेंज ऑफ मोशन आपने देख ली, अब हैवी वेट के साथ देखो रेंज ऑफ मोशन की वेट कंट्रोल कैसे कर रहा हूँ और कैसे हो रही है एक्सरसाइज और कैसे बढ़ रहा है साइज। चेक इट आउट, फुल टू डाउन, थ्री डाउन, पूरा लॉकआउट, फोर फाइव सिक्स सेवन स्लो लॉक, एट स्लो लॉक, नाइन स्लो लॉक, टेन। टैंग यहाँ रख के मसल कॉन्ट्रैक्शन में अमृत देख ही रहे हो, राइट? चमक रही है इस पर यार, क्यों? तो नेक्स्ट क्या है? मेहनत से चमक रही है। हाँ नहीं, मेहनत नहीं है, एज पर देम इंजेक्शंस, इंजेक्शंस, गलत खाना, गलत खाना, एस्ट्रॉइड्स। तो ये सेवन एंड हाफ से, सेवन एंड हाफ से, ओके। साइड साइड में, हाँ, लेट्स गो। वन, ब्यूटीफुल, टू थ्री फोर, लेट्स गो, फाइव सिक्स सेवन एट, लेट्स गो, नाइन टेन, टू मोर, इलेवन एंड ट्वेल्व। वो ठीक करी ना, पता ना, ठीक करी ना।
हमारे साले पता है कौन से मसल चलते हैं सर? कौन से? आई थिंक आई एम ड्रंक. नहीं, ये वाले उंगली के, कई लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं. विच मीन्स कि तुम सारे कीबोर्ड पे ना, या अपने फ़ोन के कीबोर्ड पे उंगलियां या अंगूठे चलाना चाहते हो. बिल्कुल. तो जो अंगूठे चलाते हैं ना, बचपन में वो अंगूठा चूसते हैं, लेकिन उनका बचपना भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए वो कुछ भी लिख देते हैं. तो ये वीडियो उनको डेडिकेटेड है कि तुम साले कुछ भी लिखते हो, बोलते हो बॉडी को लेके, मेरी या किसी की भी, आज तुम्हें डैडी सिखाएंगे कि क्या होता है शोल्डर का वर्कआउट और कैसे बना जाता है मॉन्स्टर. अंगूठे चूसने वाले या लिखने वाले फिर भी लिखेंगे, बट थोड़ा समझ के लिखना ताकि मुझे जवाब देने में और भी मज़ा आए. आओ. तो यश भाई का एक सवाल है. एक सवाल है मेरा आपसे. पूछिए. आप ये बताइए कि आपकी इतनी सांस क्यों बोलते हैं? मतलब ये मेरा और लोगों का सवाल है कि द नेशन वांट्स टू नो कि आपकी सांस क्यों बोलती है वीडियो में बात करते हुए. कईयों ने तो मेरे हार्ट के वो भी करा दिए होंगे. हाँ, आपकी वो भी हो चुकी है. मेरे हार्ट की कैलकुलेशंस की भी सारी कैलकुलेशन वो करा है. सारी कैलकुलेशन. अब इस वीडियो का जवाब ना, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको एक्सरसाइज के बाद देता हूँ. अब एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है लैटरल केबल रेजेस. ओके. वन, टू, फुल स्ट्रेच. थ्री, डाउन. फोकस. फोर, डाउन. फाइव, डाउन. सिक्स. अब थोड़ा सा मसल के साथ खींच के, मसल के साथ खींच के इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाइए. फोकस. फोकस. टाइट. टाइट. यस. टाइट. टाइट. वन मोर. दैट्स इट. तभी मैंने सेट करा. अब सेट करने के बाद अगर आप जान से सेट करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं, तो उसको आपको क्या चढ़ता है? सांस. अगर सीधी आपसे अगर बात करनी पड़े इतना इंटेंस सेट करने के बाद, इंटेंस क्या, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, तो डेफिनेटली किसी का भी सांस फूलेगा. आप कीबोर्ड पे लिखते लिखते तो सांस फूलेगा नहीं, रियल हार्डवर्क करके ही सांस फूलेगा. आप जिम जाते हो, अरे भाई क्या चल रहा है? अरे यार, गर्लफ्रेंड ये, गर्लफ्रेंड वो, अब कहाँ सांस चढ़ेगा भाई? आप सोचते मैं भी आपकी तरह मैंने वो वाला वर्कआउट करता हूँ. मैं वो वाला वर्कआउट नहीं करता. मैं अच्छे वाला वर्कआउट करता हूँ, तभी बॉडी बनती है. तो वो ट्राई करो, फिर आपका भी सांस फूलेगा. बिल्कुल. और ये सांस फूलना बहुत हेल्दी है. हाँ. दूसरे किसी सांस फूलने से. हाँ. दूसरे किसी सांस फूल. डबल मीनिंग हो गया है, बट समझ गए आप. मैंने क्या कर रहा हूँ क्या? हर जगह तो हम जा नहीं सकते. अब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि यार वीडियो में तो ऐसे दिखते हो और असली में ऐसे नहीं दिखते. तो मैंने कहा अब एक वीडियो डाल भी दूँगा. प्रूफ. प्रूफ. एक वीडियो भी डाल दूँगा और असली में भी दिखा दूँगा. हर जगह तो जा नहीं सकते हो. Go. Yahi reps. Yes. 3, 2, and 1. तो जैसा मैं सांस ले रहा हूँ, देख लो, जैसा मैं कैमरा में दिखता हूँ वैसा नहीं दिखता मैं बाहर, उससे ज़्यादा चौड़ा दिखता हूँ. ये फैक्ट है. फैक्ट है. जब आप सामने खुद देखोगे तब आप खुद बोल दोगे. आजमा लेना. So you will teach me how to train. You motherfucker. तू से क्या कहा मुझे ट्रेनिंग करना? मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लूँगा ना तो भैंचुक तुम्हारे YouTube चैनल बंद हो जाएंगे. मैं नाम नहीं लूँगा ना एक्शन लूँगा. बस whenever you do anything stupid, तुम्हारी गांड मारूँगा ऐसे ही. आई मीन लिटरली. अब डैडी से सीखो कैसे होती है अपराइट रोइंग. लैटरल. टॉप. स्क्वीज आराम से. यस. ऊपर होल्ड करके. यस.
होल्ड करके यस 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 लेट्स गो लेट्स गो चढ़ा ना सांस क्योंकि जान लग रही है कमेंट लिखने में जान मत लगाओ एक्सरसाइज में लगाओ रिजल्ट देखना यू नो व्हाट आई नेवर वांटेड टू बी अ बुली मैं कभी बुली नहीं था बट तुम साले कई हैं हराम के जने दे फोर्स मी टू दिस इनटू दिस कि भैंसो जब तक आप मेरे बारे में नहीं बोलोगे मुझे चैन नहीं पड़ेगा सो यू कॉल्ड फॉर इट सो अब मैं जिस जिसको एड्रेस करूँगा सबको पता है क्या है कुछ भी वीडियो उठा के बना देना मैं ये करूँगा उसका वीडियो बना देना वो कौन है वो पमोटिव जो लगता है कि वो जो यार तू क्या मतलब व्हाट द फक इज दैट आई मीन व्हाट द फक जस्ट बिकॉज यू विल वेयर अ वाइट गाउन यू आर डॉक्टर कम ऑन ब्रदर टॉक सम सेंस हैव यू एवर हिट द जिम कभी लाइफ में जिम गए हो जिम जाना फिर ये टिप्स टिप्स देना जब सब कुछ कर लोगे ना सब कुछ तब टिप दे तब डैडी के पास आना अटेंडेंस लगाना नहीं तो डैडी भी आ सकते हैं आपके पास आपकी अटेंडेंस लगाने बादलों पे बैठने से बॉडी नहीं बनती तो वो सुन के बड़ा अजीब लगा था ना टैन वर्कआउट के बीच में तुम सारे ग्लूकोज पीते हो खत्म हो गया और ये ग्लूकोज पीते हैं वो है भाई उसमें क्या होती है नमक होता है क्या चीनी उसमें भी होती है जस्ट बिकॉज ऐसे टैन कुछ भी बोल दोगे सर इसमें तो चीनी होती है अबे तुम चीनी भी ले लो तब भी तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी जो तुम्हारी हरकत है और आज ऐसी चीज़ बताऊँगा टैंक सुन के तो तुम्हारी थोड़ी सी हिली थी ना ये देख के फट जाएगी जो वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ ऐसी चीज़ नहीं दिखाऊँगा पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो बट देखना अगर वर्कआउट के बाद कुछ लेना है तो बोलो समझे क्या है वो अभी बताता हूँ डोंट यू विश योर डैडी वॉज हॉट लाइक मी डोंट यू विश योर चाचा वॉज हॉट लाइक मी नहीं है ना होने भी नहीं द वन एंड ओनली क्या वो KGF का ही है ना वन पीस ओनली वर्कआउट हो गया ख़त्म आप सोच रहे हो कि मैं अपना प्रोटीन शेक लूँगा और कोई ऐड करूँगा सबकी तरह ना 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 वो करूँगा बाद में करूँगा बट अभी मैं लूँगा मॉन्स्टर अपने प्रोटीन पीने से पहले कैन आई सी ड्रिंक हुई इसका तड़का क्या है इसका तड़का है बियर फ्रूट बियर फ्रूट बियर फ्रूट बियर और मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन ये देख लो आप ये देख लीजिए है ना भाई अब आप पूछोगे क्यों मॉन्स्टर बनने के लिए तो मॉन्स्टर पीनी पड़ेगी ना अब आप क्या करते हो इतनी मेहनत करते हो इतना सब कुछ करते हो तो ये जितने भी बार आप कॉन्ट्रैक्शंस करते हो इतने सेट्स पे आप कॉन्ट्रैक्शंस करते हो तो बहुत सारे मिनरल्स आप लूज़ कर देते हो तो उसको रिप्लेनिश भी तो करना है ना नहीं तो ग्रो कैसे करोगे रिप्लेनिश करने बिना तो ग्रो होगा नहीं नहीं तो प्रोटीन भी जिंदा रहेंगे ना सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता आपका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारी जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है आपका मसल ग्रो करेगा और ग्रो करेगा भी तो कैसे करेगा हाइड्रेटेड है वो पूरा नहीं है वो स्किन से चिपक रहा है नहीं चिपक रहा बहुत सारी चीज़ें होती है बहुत सारी समझाने वाला रे छोड़ यार इनको नहीं समझा रहा इनने फिर भी कमेंट नहीं करना क्योंकि आपको ज़्यादा पता है बताया नहीं ना इनको किसी ने छोड़ो छोटे तुम्हारे बस का नहीं बट हाँ वर्कआउट के बाद अगर दिल करे तो मॉन्स्टर में थोड़ी सी नॉन एल्कोहलिक फ्रूट बियर डाल देना देखो क्या लिखा है इस पर नॉन एल्कोहलिक दारू नहीं है अब राइट अब यूट्यूबर को तो मिल गया एक थंबनेल तरुण गिल पीते हैं दारू वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट देखो फ्रूट बियर और मॉन्स्टर आप रेडबुल भी मिला सकते हो देखो जितने भी आपके मिनरल्स डिप्लीट हुए हैं वर्कआउट के बाद
इट हेल्प यू रिप्लेनिश. उसके बाद आप 15 से 20 मिनट बाद अपना प्रोटीन ड्रिंक ले सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगे. बट दिस इज हाउ यू डू इट. आपको कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा बुरा जो भी. आई डोंट फकिंग केयर बट स्टिल आई विल कंटिन्यू टू डू व्हाट आई डू. मिलूंगा कल.